बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों अरफान अमजद का अस्सलामुअलैकुम। सब तरीफें उस अल्लाह की जो दिलों के भेद जानता है। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त हरिये से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको खुशियों बड़े दिन दिखाए। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज हम आए हैं शक्करपड़ियाँ। ये मेरे पीछे देखें बोर्ड लगा है फ्रेंडशिप का, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप। मुख्तलिफ मालिक के लोग जो आते हैं पाकिस्तान में, तो ये पहाड़ के पीछे यहाँ पे दरख्त लगाए हैं। जो जो भी मतलब दूसरे ममालिक के लोग आते हैं उहदेदारान, तो वो अपने नाम के साथ एक नया दरख्त लगा के जाते हैं। तो अभी तक काफ़ी ज़्यादा दरख्त यहाँ पे लग चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अभी जगह है। तो ये एक पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है कि हर मुल्क के लोगों ने यहाँ पे आके अपने अपने नाम के दरख्त लगाए हैं, जो इंशाल्लाह इंशाल्लाह रहती दुनिया तक रहेंगे। तो हम सब अगर इन चीज़ों की हिफाजत करें तो ये सारी ज़िंदगी चल सकता है साथ साथ। तो आप लोग भी यहाँ आएँ अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो ये जगह का विज़िट ज़रूर कीजिएगा इस्लामाबाद में। तो आके ये खूबसूरत मनाजर जो इस्लामाबाद में इस जगह से देखने को मिलते हैं वो भी देखिएगा। तो मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ, तो चले आएँ, लेट्स गो। ये लिया क्या आपने, दिखाओ हाँ इधर वीडियो में दिखाओ ना क्या लिया। ये भी है मट्टी के साथ खेलने वाला। ये तो भाई फरहान के लिए और भाई रूहान के लिए नहीं लिया। फिर आप छोड़ दो ना लो कुछ। कहाँ जाके खेलने आपने? जी तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये देखें बारिश हल्की हल्की सी आ रही है, तो बहुत मज़े का मौसम हो गया, तो रश भी नहीं ज़्यादा। तो आए हैं अब हम शक्करपड़ियाँ। शक्करपड़ियाँ से इस्लामाबाद का सारा व्यू नज़र आता है, तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे खाने पीने का भी अच्छा इंतज़ाम होता है, काफ़ी दफ़ा पहले भी हम आ चुके हैं इधर। तो ये एक ऐसा पॉइंट है इस्लामाबाद में कि जहाँ पे खड़े हो के हम सारा इस्लामाबाद देख सकते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे व्यूज़ मिलते हैं देखने को। और ये वाली जगह, ये वाला स्टेज जो बना हुआ है, ये मोहम्मद अयूब खान जो गुजरे है पाकिस्तान के लिए सदर, उन्होंने इस जगह पे खड़े होके इस्लामाबाद के लिए प्लान नया मतलब प्लान जो बनाया था कि किस तरह इस्लामाबाद को बनाना है, तो वो वाला ये वो जगह है। इधर मतलब एक इजलास हुआ था तो उसकी यादगार में वो जगह बनाई। ये देखें माशाल्लाह, ये व्यूज़ देखें। यहाँ बस देखने को एक पॉइंट जो बना है ये वाला, इधर बस खूबसूरती खूबसूरती है, बहुत आला आला से बहुत खूबसूरत से नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये देखें ये सारे दरख्त लगे हैं, इनके साथ साथ जिस जिस बंदे ने मतलब जिस जिस शख्सियत ने ये वाले लगाए हैं उनका बाकायदा नाम और उनका ओहदा बिल्कुल साथ में लिखा हुआ है। तो ये हर बंदे का अलहदा अलहदा है, लेकिन इस हिस्से में जाने की इजाज़त नहीं आम पब्लिक को। तो ये जब हम छोटे छोटे थे तब आए थे अपने मामू जान के साथ, तब वो इधर पाकिस्तान नेवी में जॉब करते थे, तो वो हमें लेके आए थे। तो ये उस वक्त खुला होता था और इधर ये वाले पौधों के साथ पज़ल गेम बनाई होती थी, उसमें घूमते थे और खेलते थे। ये देखें ये वाला माशाल्लाह, ये सारे एक से बढ़कर एक ये बनाए हुए हैं, कुदरती मनाजर देखने को मिलते हैं। ये अच्छी अच्छी खूबसूरत सी सीनरी टाइप बनी है। ये नीचे देखें ये भी सारे दरख्त इसी तरह लगे हुए हैं जिस जिस शख्सियत ने लगाए हैं,
उस शख्सियत का ओहदा, उसका नाम, उसकी डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे नीचे मेंशन की है। ये सेम इसी तरह ये भी है, तो ये बंद कर देते हैं आम पब्लिक के लिए, क्योंकि ये आम पब्लिक सफाई का ख्याल नहीं रखती। ये देखें जी, ये माशाल्लाह, ये पीछे स्टेडियम नज़र आ रहा है आपको, ये इस्लामाबाद का व्यू, सारा इस्लामाबाद यहाँ से पूरा नज़र आता है। अभी ये माशाल्लाह आगे दिखाते हैं आपको, यहाँ से वज़ीरे आज़म हाउस, सेक्रेटेरिएट, पार्लियामेंट हाउस और साथ में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, ये सारा कुछ इधर से नज़र आएगा। तो आज मौसम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। एक दफ़ा हम आए थे तो तब गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो तब भी इतना मज़ा नहीं आया था। तो आज हवा तो है नहीं चल रही, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, खूबसूरत मौसम है। ये देखें ये पीछे से, ये देखें जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कितना खूबसूरत सीन है। तो अभी हम जिस साइड पे जा रहे हैं, यहाँ से न्यू इस्लामाबाद भी नज़र आता है, तो पहले वाला इस्लामाबाद, ये पीछे बिल्डिंग वगैरह नज़र आ रही। आज मौसम हल्की हल्की बारिश वाला है, उसकी वजह से ये धुंध वगैरह छाई है, नहीं तो इधर पीछे मारगला जो पहाड़ी सिलसिला, ये सारा खूबसूरत पीछे ग्रीन नज़र आता है। तो आप लोग भी जब भी कभी इस्लामाबाद आएँ, ये जगह ज़रूर देखिएगा, अपने बच्चों को लाएं, अपनी फैमिली को लाएं, तो बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारे यहाँ पे कुदरती मनाजर देखने को मिलते हैं। आवाज़ें परिंदों की सुने, हल्का हल्का सा, मतलब जैसे आज मौसम है बारिश वाला, तो ये जो टूर होता है उसको चार चांद लगाने वाला मौसम। ये देखें जी, ये नीचे जंगलात, खाइयाँ बहुत ज़्यादा गहरी, तो ये नीचे से इस्लामाबाद नज़र आ रहा है। और ये आपको मैं दिखाता हूँ, झील नज़र आ रही है, रावल झील। तो ये आर्मी का कुछ हिस्सा है, और साथ में ये स्टेडियम है ये वाला, और ये इस्लामाबाद का नज़ारा जनाब, इधर से बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है इस्लामाबाद। तो ग्रीन की बहुत ज़्यादा, एक से बढ़कर एक सीनरी देखने को उन्हें मिलती है। आज पहाड़ों पे बादल हैं, जिसकी वजह से पहाड़ नज़र नहीं आ रहे। ये देखें, ये जनाब वज़ीरे आज़म हाउस और साथ में पार्लियामेंट हाउस, ये नज़र आ रहे हैं, और साथ में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, सेक्रेटेरिएट, ये सारी बिल्डिंगें ये आपको नज़र आ रही होंगी। इसके साथ ही मारगिला का पहाड़ी सिलसिला, तो वो आज बादल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये धुंध है, और पहाड़ों पे बादल है, जिसकी वजह से बहुत हल्के हल्के से बादल नज़र, मतलब पहाड़ नज़र आ रहे हैं। तो ये देखें, ये व्यू है सारा इस्लामाबाद का। अभी यहाँ से फैसल मस्जिद भी आपको नज़र आएगी। ये देखें जी, ये माशाल्लाह फैसल मस्जिद भी, ये नज़र आई है फैसल मस्जिद। तो यहाँ से इस्लामाबाद सारा ही नज़र आता है। फैसल मस्जिद आज तो हमारे पास टाइम नहीं होगा, तो फिर कभी आएंगे इंशाल्लाह, तो वो भी आप लोगों के साथ वीडियो बना के उसका व्लॉग भी बनाएंगे। गर्मी हो रही ना जकी, मज़ा आया है, देखा है सारा इस्लामाबाद इधर से, प्यारा। वो झील भी देखी है, हम उधर गए भी थे। तो वो देखो फैसल मस्जिद नज़र आई, ये सारा, हाँ जी, ये सारा इस्लामाबाद में, वो वज़ीरे आज़म हाउस भी नज़र आ रहा है इधर से, साथ में सुप्रीम कोर्ट भी नज़र आ रही है बिल्डिंग उसकी। तो अभी अगर धूप होती ना, तो एक तो गर्मी ज़्यादा होनी थी, और उस धूप का फ़ायदा ये होना था कि ये सब ये कुछ पहाड़ भी नज़र आने थे अच्छी तरह से, और ये सारे घर, हाँ जी, पहाड़ भी बहुत खूबसूरत लगने थे, टोटल ग्रीन है ये वाले पहाड़, जंगलात हैं बहुत ज़्यादा।
ये देखिए जी, ये फैसल मस्जिद है और ये सारा आज धुंध की वजह से दूर का सीन सीनरी जो है वो नहीं सही नज़र आ रही। तो अभी पहाड़ टोटल बादलों की जद में आए हुए हैं, तो यहाँ आके बहुत ज़्यादा कह सकते हैं सुकून आता है बंदे को, क्योंकि ये बहुत सुकून वाली जगह है। इधर कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं इसका, कोई हल्ला गुल्ला नहीं इधर ज़्यादा होता। तो परिंदों की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं और ये सारे इस्लामाबाद का व्यू नज़र आता है। ये नीचे ये देखें माशाल्लाह, ये सारे जंगलात हैं। इसमें कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो मतलब सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, लेकिन वो काफ़ी मकदार में बढ़ गए हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखे। अभी जब हम आए थे ऊपर तो चंद एक लोग थे, तो अभी बारिश कम हो गई है तो लोग भी आना शुरू हो गए। तो यहाँ पे नज़दीक रहने वाली फैमिलियाँ तो मेरे ख्याल में अक्सर यहाँ का विज़िट ज़रूर करते होंगे, क्योंकि ये एक सिक्योर इलाका है, तो बिल्कुल बंद है, कोई हादसात का मतलब अंदेशा नहीं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। यहाँ पे आके फैमिली मेंबर्स वगैरह भी इंजॉय करते हैं, बच्चे हों वो भी अच्छा खासा मज़ा लेते हैं इस जगह पे आके। तो मेरे साथ भी अनाया और ज़कीर रहमान है, तो अब वो थक गए हैं घूम घूम के। तो आप लोग भी जब भी कभी इस साइड पे आएँ तो इस जगह का विज़िट ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। जी तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का ये व्लॉग? उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को पसंद आया होगा। मैं दोबारा से आप लोगों से कह रहा हूँ, अगर आप लोग इस्लामाबाद की तरफ आएँ तो ये जगह देखनी ना भूलिएगा। फैमिली के साथ भी आएँ, बच्चों के साथ आएँ, दोस्तों के साथ आएँ, तो आउट क्लास जो कुदरती सीनरी है, कुदरती सीन है, यहाँ देखने को मिलती हैं। तो आज का व्लॉग यहाँ पर ख़त्म करते हैं, नए व्लॉग में बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इरफान अमजद को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।